हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लुनेटिक एप्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप हार्ड ड्राइव का जो है पार्टीशन कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, हार्ड ड्राइव मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं और जो आपके कंप्यूटर में आता है 1 TB, 2 TB, 500 GB या कुछ इस टाइप से, 250 GB इस टाइप से आपको मिलता है जिसमें कि आप अपना डेटा सेव करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में। ठीक है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आजकल जो कंप्यूटर या लैपटॉप आ रहा है उसमें जो विंडोज 10 आ रहा है और उसमें विंडोज 10 में आजकल जो है बिना कोई पार्टीशन के आपको सिस्टम मिल जाता है विंडोज 10 का। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सारा डाटा जो है सी ड्राइव का जो एक फोल्डर बना होता है उसी में आप डालते रहते हैं। ठीक है, सी ड्राइव का एक ही सिंगल फोल्डर आपको मिलता है आजकल विंडोज में, तो आप सारा डाटा उसी में सेव करते हैं या फिर आप डेस्कटॉप पे सेव करते हैं या कुछ फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में होते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं, आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है कि जब आपका विंडोज जो है किसी कारण करप्ट हो जाता है, कुछ वायरस आ जाता है या कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो भी डेटा सी ड्राइव के अंदर होता है वो जो है सी ड्राइव बूटेबल होता है और अगर आप विंडोज दोबारा से इंस्टॉल करते हैं या विंडोज को रिपेयर करते हैं तो सारा जो डाटा सी ड्राइव के अंदर होता है वो उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करते हैं या फिर डाउनलोड फोल्डर में रखते हैं या डायरेक्टली सी ड्राइव में रखते हैं, सारा जो है सी ड्राइव का पार्ट होता है तो सारा डाटा आपका चला जाता है। तो ऐसे में अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो वो चला जाएगा, इसलिए आपको पार्टीशन बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप पार्टीशन बना लेते हैं अपने डिस्क का जो कि आपके पास अच्छे खासे मात्रा में होता है, 1 TB या 2 TB आपके लैपटॉप में अभी नॉर्मली जो आ रहा है 1 TB और 2 TB के आसपास आ रहा है। ठीक है, कुछ में 1 TB होता है, कुछ में 2 TB होता है। तो अगर आप पार्टीशन बना लेते हैं सी ड्राइव के अलावा डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, तो आपका जो बाकी सारे ड्राइव में डेटा होता है वो सारा सेव रहता है। अगर आपका विंडोज करप्ट होता है, कुछ भी होता है, तो सी ड्राइव का डाटा जो है डिलीट होता है या जो भी होता है वो सी ड्राइव के साथ होता है। सी ड्राइव का डाटा उड़ता है, उसमें सारे प्रोग्राम फाइल होते हैं, सी ड्राइव का डाटा ही डिलीट होता है। बाकी जो ड्राइव होते हैं डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, तो वो सारे डाटा, वो सारे ड्राइव में जो भी डाटा होता है सारा सिक्योर रहता है। तो इसलिए आपको जो है पार्टीशन बनाना जरूरी है। ठीक है, अब पार्टीशन बनाए कैसे, ये जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। विंडोज 10 में पार्टीशन कैसे बनाए ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता। जो लोग कई सालों से लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि पार्टीशन कैसे बनाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप पार्टीशन कैसे बना सकते हैं। मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको प्रोसेस कि आप पार्टीशन कैसे बना सकते हैं और किस किस तरह से आप पार्टीशन बना सकते हैं। तो पार्टीशन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें इस वीडियो में दो तरीका बताऊंगा जो कि दोनों बहुत ही आसान है। पहला तरीका जो कि आपके विंडोज में ऑलरेडी होता है उससे आप बना सकते हैं, और दूसरा तरीका एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम मैं अभी बता दूंगा आगे। वो सॉफ्टवेयर छोटा सा है, 25-30 MB का, अगर वो आप डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आप बहुत ही इजीली पार्टीशन बना सकते हैं, जितना चाहे उतना पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं बता देता हूं कि आपको कैसे पार्टीशन बनाना है और कहां से पार्टीशन बनाना है। ठीक फ्रेंड्स, सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और लुनेटिक्स ऐप फैमिली के मेंबर बन जाओ, और अगर तुम्हें मुझसे हो ज्यादा प्यार तो करो एक बार घंटे पे वार, ताकि तुम्हें मिलता रहे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको डिस पीसी खोल के दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो है कंप्यूटर है और इसमें देखिए विंडोज 10 डला हुआ, और इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सी ड्राइव है और उसके अलावा ये DVD राइटर के लिए डी ड्राइव बना हुआ है। ना मेरा ई ड्राइव है, ना मेरा एफ ड्राइव है, कोई भी पोर्शन नहीं बना हुआ है, सिर्फ सी ड्राइव का पोर्शन है। इसी के अंदर जो है मेरा सारा प्रोग्राम फाइल है और इसी के अंदर मेरा सारा डाटा अभी तक सेव है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ होता है, अगर मेरा विंडोज़ करप्ट वगैरह होता है, तो इसमें जो भी रहेगा मेरा डाटा सारा जो है डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मुझे जो है बनाना है दूसरा ड्राइव, ई और एफ ड्राइव। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए अब मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है, जो विंडोज़ ने ऑलरेडी दे रखा है, तो उसको
यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये सर्च बार जो है विंडोज 10 में आता है, उसके यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डिस्क। जैसे ही आप डिस्क टाइप करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पोर्शन, ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। ये वाला ऑप्शन जैसे ही आपको दिखे इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का जो है विंडो आपके सामने खुल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप उसके लिए एक और तरीका से यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल खोल लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर यहाँ पे क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पोर्शन, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहीं पे पहुँच जाएंगे जिस विंडो पे पहले पहुँचे थे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल का जो है खुला हुआ उसको कट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पोर्शन कुछ बना हुआ है, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, ये सारा जो है हमारा सिस्टम का पोर्शन है। कुछ डेल सपोर्ट का है, कुछ इमेजेस के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए छोटे छोटे पोर्शन बने हैं। जैसे ये देखिए 500 MB का है, ये 11 GB का है, ये 461 MB का छोटे छोटे, और ये 1 GB का छोटे छोटे पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है। और हमारा जो सी ड्राइव बना हुआ है वो 918 GB का बना हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा सी ड्राइव अभी जो खाली है 771 GB खाली है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव में से कुछ पोर्शन निकाल लूँ और उसमें ई और एफ ड्राइव बना लूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखिए सी ड्राइव जो है इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का विंडो पॉपअप होगा आपके सामने, और ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपके कंप्यूटर के स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंप्यूटर तेज़ चलता है तो जल्दी से हो जाएगा, अगर आपका कंप्यूटर स्लो चलता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 5-10 मिनट, ठीक है। तो देखता हूँ मेरे कंप्यूटर में कितने देर में होता है, और जैसे ही हो जाता खुल जाता है बाकी तो मैं आपको आगे बताता हूँ करना क्या। ये देखिए मेरे कंप्यूटर में खुल चुका है, और यहाँ पे आप देखिए साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस, तो इतना स्पेस जो है हमारा श्रिंक के लिए अवेलेबल है, मतलब लगभग 700 GB जो है हमारे सी ड्राइव में खाली था, तो पूरा दिखा रहा है, इतना आप जो है निकाल सकते हैं। तो मैं इतना नहीं निकालूंगा क्योंकि हमारे पास सी ड्राइव में भी कुछ बचना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से 400 GB निकाल लूँ, ठीक है। ये MB में दिया हुआ है इसलिए ये आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप GB में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 700 कुछ GB, और ये जो है हमारा मैक्सिमम साइज जो है 900 कुछ GB जो है मैक्सिमम साइज है टोटल सी ड्राइव का। और अभी मुझे कितना इसमें से निकालना है वो मुझे यहाँ पे डालना है। जैसे मुझे 400 GB निकालना है तो 400 GB को MB में आप कन्वर्ट कर लीजिए, 1 GB में 1024 MB होता है, तो उसी तरह से आप कन्वर्ट कर लीजिए 400 GB में कितना होगा, और वो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया है, तो कुछ इस टाइप से आएगा 409600। तो 400 GB में इतना MB बनेगा हमारा, ठीक है। मैं इतना निकालना चाहता हूँ सी ड्राइव में से, और उसके बाद मैं दो अलग जो है ड्राइव बनाऊंगा ई और एफ। तो ये डाल दिया जितना भी आपको निकालना है, उसके बाद श्रिंक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। श्रिंक पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है आपके कंप्यूटर में या मेरे कंप्यूटर में, डिपेंड करता है स्पीड आपके कंप्यूटर का कितना है। तो अगर आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर आपका कंप्यूटर स्लो होगा तो टाइम लगेगा। तो देखते हैं मेरे में कितना होता है। ये देखिए हो गया, तो बड़ी जल्दी हो गया मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि मेरा कंप्यूटर आजकल काफ़ी फास्ट चल रहा है, न्यू है अभी। आपके कंप्यूटर में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो टाइम लगे तो आप इसको छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट भी ले सकता है ये। तो यहाँ पे देखिए 400 GB हमारा जो है अनलोकेटेड हो चुका है, और बाकी जो हमारा 900 था उसमें से 400 निकाल लिया, तो 518 जो है हमारा सी ड्राइव में बच गया है। तो अभी ये 400 है, इसको मुझे बनाना है, कन्वर्ट करना है ई ड्राइव और एफ ड्राइव में। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कितने का बनाना है तो डाल दीजिए उतना। तो मुझे जैसे 200 GB का जो है एक ड्राइव बनाना है,
तो यहाँ पे मैं 200 GB को MB में कन्वर्ट करूँगा तो कितना होगा, 2048 ये आएगा, उसके बाद 00। तो इतना 200 है, 200 GB को कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको डाल के जितना भी आपको जितना का भी बनाना है वो डाल के उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है किस नाम से बनाना है, मुझे ई ड्राइव के लिए बनाना है तो ई डाल देता हूँ, या आप बाकी की और भी चूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप यहाँ पे अगर न्यू वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ रहा है, अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो न्यू वॉल्यूम ई के नाम से आ जाएगा, लेकिन मुझे ई ड्राइव के नाम से चाहिए, मतलब ड्राइव ई के नाम से चाहिए, तो यहाँ पे ड्राइव लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारा जो है ई ड्राइव बन गया, ठीक है, इसको काट देता हूँ अभी फिलहाल। उसके बाद अभी जो 200 हमने निकाल लिया 400 में से, तो अभी हमारे पास 200 अनलोकेटेड बचा हुआ है, तो अभी इसको एफ बना लेते हैं हम। इस पर फिर वैसे ही राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अभी हमें दूसरा कोई ड्राइव नहीं बनाना है, तो मैक्सिमम इतना साइज है इतना ही छोड़ देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एफ ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ड्राइव लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और ये फिनिश। तो हमारा जो है दूसरा भी एफ ड्राइव क्रिएट हो गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 200 GB का हो गया। तो दोस्तों ये था तरीका, इससे हमने क्रिएट कर लिया ई ड्राइव एफ ड्राइव। अब अगर इसको काट देते हैं और यहाँ पे दिस पीसी में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा ई ड्राइव और एफ ड्राइव आ चुका है। तो ई ड्राइव एफ ड्राइव पूरा 199 और 199 GB का आया है। हमने 200 GB का बनाया था, लेकिन यहाँ पे 199 इसलिए आया है क्योंकि ड्राइव बनाते वक्त जो है 1 GB खर्च हो जाता है, मतलब इसका कुछ कोडिंग होता है उसमें जो है 1 GB लगभग चला जाता है, ठीक है। तो ये था पहला तरीका जिससे आप बड़ी ही आसानी से जो है बना सकते हैं। अभी मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके में हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है मिनी टूल पोर्शन विजार्ड। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है और फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, फ्री है। तो ठीक है, सबसे पहले इसको हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप भी चाहें तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैसे नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही ये भी इंस्टॉल होता है, ठीक है, आप इजीली इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से खुलेगा, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है एक विंडो आपके सामने आएगा इस टाइप का, और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस टाइप का दिखेगा, आपका सारा ड्राइव शो कर देगा, ठीक है, जो जो ड्राइव आपके उसमें बना हुआ है। अभी हमने उसमें खोला था जो हमारा विंडोज़ का था, तो वहाँ पे पोर्शन 1 पोर्शन 2 के नाम से शो कर रहा था, यहाँ पे उसका नाम दिखा रहा है। डेल सपोर्ट है एक हमारा जो 400 MB का था, तो और दूसरा इमेज है, तो इस टाइप से यहाँ पे पोर्शन बना हुआ, और हमने जो अभी बनाया था ई ड्राइव और एफ ड्राइव, और यहाँ पे हमारा सी ड्राइव जो OS के नाम से है, ये सारा पोर्शन बना हुआ है। अभी हमें चाहिए कि हम एक और ड्राइव बनाएं जी ड्राइव, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मूव और रिसाइज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सी ड्राइव जो है 518 GB का अभी बचा हुआ है, ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव को 400 GB का कर दूँ, बाकी जो 118 GB बचे तो उसका कोई और एक जी ड्राइव नाम से बना लूँ। तो यहाँ पे सी ड्राइव को जितना भी करना है वहाँ उतना लिख दीजिए, यहाँ पे जीबी में है तो जीबी में लिख दीजिए, तो मैं 400 का करना चाहता हूँ, 400 यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जब ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए जो सी ड्राइव था हमारा OS वो जो है 400 GB का हो गया, और यहाँ पे जो 118 GB है वो अनलोकेटेड हो गया। तो अब इस अनलोकेटेड को यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद पोर्शन का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख दीजिए, तो मुझे ड्राइव रखना है
ड्राइव, और यहाँ पे देखिए जी नाम से ऑलरेडी शो हो रहा है क्योंकि हमारा ई एफ बना हुआ है, तो नेक्स्ट जी ही आता है। उसके अलावा आप एच आई जे के कुछ भी रखना चाहें वो आप कर सकते हैं, तो मैं जी रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज पूछ रहा है कितने साइज का बनाना है, तो 118 हमारा जो मैक्सिमम है 118 का बना सकते हैं, तो 118 पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये है जी ड्राइव हमारा बन गया है 118 का। तो ये बन तो गया है, यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ये सेव नहीं हुआ। सेव करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि अगर आपका कोई भी जो है सॉफ्टवेयर खुला हुआ है तो सबको बंद कर दीजिए, ये रिकमेंड कर रहा है, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का जो है पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप रीस्टार्ट कर लीजिए इसको, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद ही ये बनेगा, ठीक है। रीस्टार्ट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरा कंप्यूटर जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो बंद हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अपने मोबाइल पे बाकी का वीडियो जो है शूट कर लूँगा और मैं इसके साथ मर्ज कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीस्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उससे पहले मैं इसको जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया। और यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से मेरा कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होने लगा है। तो इसमें ना थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। रीस्टार्ट होने में जितना नॉर्मल टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही, उसके अलावा भी टाइम लगेगा जो है ड्राइव क्रिएट होने में। तो ये देखिए हमारा जो है रीस्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पोर्शन विजार्ड विल स्टार्ट इन 2 सेकंड, टाइमर चल रहा है, और उसके बाद इस तरह से खुलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आप नीचे साइड देखेंगे तो यहाँ पे 0% दिखा रहा है, इधर भी 0% दिखा रहा है, और ये सारा जो है 0 से 100 तक जाएगा, उसके बाद जो है आपका पोर्शन क्रिएट होगा। तो इसमें थोड़ा जो है टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, जब ये 100 हो जाएगा उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि आगे कैसे हो करना है। तो ये देखिए अभी 1% हुआ है, बाकी प्रोसेसिंग फाइल जो है 100% हो चुका है। तो अभी ये रिसाइजिंग पोर्शन जो है 1% है, ये 1 से 100 तक जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो आप जैसे ये हो रहा है इसको छोड़ दीजिए, वैसे होने दीजिए। तो अभी जो है ये पूरा हो चुका है हमारा, ठीक है। तो इसमें लगभग 12 मिनट लग गए, और उसके बाद 12 मिनट में ये जो है पोर्शन जो है बना है, और अभी ये हमारा कंप्यूटर जो है ऑन हो रहा है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है अगर आप चाहें तो। अगर आपके कंप्यूटर में पहले तरीका काम कर रहा है, मोस्टली में काम करता है, कहीं कहीं पे दिक्कत आती है, कहीं कहीं पे किसी किसी कंप्यूटर में नहीं होता है, तो एक बार में नहीं हो रहा है तो 2-3 बार ट्राई कीजिए, और जैसे ही दो तीन बार ट्राई कीजिए हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप जो है ये दूसरा वाला तरीका यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन हो जाता है। तो ये देखिए हमारा कंप्यूटर खुल चुका है। अभी मैं जाता हूँ दिस पीसी में, और यहाँ पे आप देखिए मैंने जी ड्राइव क्रिएट किया था 118 GB का, और यहाँ पे 117 GB का क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि 1 GB जो है लग जाता है वो कोडिंग वगैरह में, जिससे ड्राइव क्रिएट होता है, तो 1 GB कम हो गया है। यहाँ पे 117 GB का जो है हमारा जी ड्राइव बन गया है। तो ये दूसरा तरीका था जिससे कि आप ड्राइव बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका जिससे आप पार्टीशन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट का जो है जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।